प्रिय शिक्षार्थियों, कैसे आपको आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से होंगे। आज हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अर्थात जो विभिन्न आरेखीय निरूपण है, उसके संदर्भ में बात करेंगे आज के। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जाना था कि बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, जिसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, परसेंटेज कुम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, पाई चार्ट, ये बहुत सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब डाटा के विधियों के बारे में हम लोगों ने देखा था और पढ़ा था। आज हम लोग ऐसे कुछ बातें करेंगे जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं, जिनके माध्यम से, जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा। तो पहला क्या है, बहुलांकता, इसमें हिंदी बोलते हैं, मोडालिटी। दूसरा है वर्णता, इसको ऑटोसिस बोलते हैं। और तीसरा है विषमता, इसको इंग्लिश में सिग्नेस बोलते हैं। ये तीन है जिसमें किस प्रकार से बहुलता क्या है, गुणता क्या है और विषमता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ये बहुलांकता आप चित्र से ही देख करके आपको कुछ चीजें स्पष्ट हो जा रही है। बहुलांकता क्या है, बहुलांकता वह से तात्पर्य वह है कि एक या अधिक प्राप्तांकों पर आवृत्तियों की अधिकता से। बहुलांकता से अभिप्राय क्या है, एक या अधिक प्राप्तांक, किसी एक प्राप्तांक पर या दो पर या अधिक पर आवृत्तियों की बहुलता से, जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनकी बहुलता से, जिस वक्त में केवल एक ही शीर्ष होता है, जिस वक्र में, ध्यान रखिए, जिस वक्र में केवल एक ही शीर्ष होता है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आप देखेंगे, जिस वक्र में कोई एक ही शीर्ष होता है उसे क्या कहते हैं, एकल बहुलांकीय कर्व, वक्र बोलते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं यूनि मॉडल कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, यूनि मॉडल कर्व, जिसमें केवल एक ही शीर्ष होता है, तथा जिसमें आवृत्तियां किसी एक ही प्राप्तांक पर अधिक होती हैं, उसे एकल बहुलांकता वर्ग या यूनि मॉडल कर्व बोलते हैं। फिर आगे दूसरा, द्विबहुलांकीय या बाई मॉडल कर्व, बाई मॉडल क्या है, जहां पर कोई दो प्राप्तांक आवृत्तियों की बहुलता होती है, किसी दो प्राप्तांक पर आवृत्तियों की बहुलता होती है, और जिसमें वक्र में देखने के दो शीर्ष होते हैं, देखेंगे हम फर्स्ट शीर्ष और सेकंड शीर्ष, इसमें दो शीर्ष होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बाई मॉडल कर्व या द्विबहुलांकीय कर्व उसे कहते हैं। फिर तीसरा है बहुबहुलांकीय कर्व, जिसे मल्टी मल्टी मॉडल कर्व बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्राप्तांक की बहुलता एक से अधिक प्राप्तांकों पर आवृत्तियों की बहुलता होती है, दो से अधिक प्राप्तांकों पर जब आवृत्तियों की बहुलता होती है उसे बहुबहुलांकीय कर्व बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे मल्टी मॉडल कर्व। तो आप समझ में आ गया हो बहुलांकता क्या है। बहुलांकता से आशय है किसी एक या एक से अधिक प्राप्तांक वर्ग पर आवृत्तियों की बहुलता से, आवृत्तियों की सघनता से, आवृत्तियों की केंद्रीयता से, यह तीन प्रकार से होता है, जिसमें केवल एक ही शीर्ष होते हैं, या जिसमें आवृत्तियों की बहुलता किसी एक प्राप्तांक पर होती है, या जो हमारा कर्व बनता है वो देखने के लिए जिसमें केवल एक शीर्ष होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, योनि मॉडल कर्व, अर्थात एक बहुलांकीय कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एक बहुलांकीय कर्व बोलते हैं। जब किसी दो प्राप्तांक पर आवृत्तियों की बहुलता होती है उसे द्विबहुलांकीय कर्व बोलते हैं,
या इसके लिए जूम आई मॉडल कर, जब आवृत्तियों की प्रबलता दो से अधिक प्राप्तांकों पर होती है तो वहां पर जो वक्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुभवलांगी कर्व या मल्टी मॉडल कर्व बोलते हैं। इस तरह से हमने देखा कि बहुलांकता क्या है, बहुलांकता से आशय क्या है, बहुलांकता कितने प्रकार की होती है, ये चीजें हमने देखी। आइए हम लोग चलते हैं वक्रता। वक्रता क्या है? वक्रता इंग्लिश में कोर्टोसिस बोलते हैं। वक्रता क्या है? वक्रता को हिंदी में कुकुदता भी बोलते हैं। एक वर्ड क्या है? कुकुदता। लिख ले, ये तो आप क्या बोलते हैं इसको, कुकुदता। वक्रता को क्या कहते हैं, कुकुदता बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं वक्रता क्या है। वक्रता से किसे कहते हैं? वक्रता से अभिप्राय होता है वक्र के चपटेपन होने से या नुकीलेपन होने से। वक्र के चपटेपन होने से या नुकीलेपन होने से ही वक्रता का आशय, वक्रता का अभिप्राय। चपटेपन या नुकीलेपन, चपटेपन या नुकीलेपन से अभिप्राय ही वक्रता से होता है। जब प्राप्तांकों का प्रसार, क्या कह सकते हैं हम, जब प्राप्तांकों का प्रसार अधिक होता है, जब प्राप्तांकों का प्रसार अधिक होता है तब क्या होता है, बीच प्राप्तांक बीच के वर्गों पर अधिक केंद्रित ना हो, बीच के वर्गों पर अर्थात यहाँ पर अधिक केंद्रित ना हो करके वह पूरे एक तरीके से अगर हम कहें तो लगभग समान रूप से समस्त वर्गों में फैले होते हैं, समान रूप से लगभग समस्त वर्गों में फैले होते हैं तथा प्राप्तांक बीच के वर्गों पर अधिक केंद्रित ना होकर के सभी पर फैले रहते हैं, वर्गों में लगभग समान रूप से फैले होने के कारण तब वक्र क्या होता है, अधिक प्लेटेड बनता है, अधिक प्लेटेड बनता है, अधिक चपटा बनता है। यहाँ देख रहे हैं क्या प्राप्तांकों का, जब प्राप्तांकों का प्रसार अधिक होता है तो प्राप्तांकों का अधिक प्रसार होता है तो जो प्राप्त वर्ग अंतराल है वह समझ में आ गया। वक्रता क्या है? वक्रता से अभिप्राय है, वक्रता से आशय है वक्र के चपटेपन या नुकीलेपन से। जब प्राप्तांकों का प्रसार अधिक होता है तब प्राप्तांक बीच के वर्गों पर अधिक केंद्रित ना होकर के लगभग समान रूप से समस्त वर्गों में फैले रहते हैं तब कैसा वक्र बनता है, वो जो इस प्रकार से जो वक्र बनता है उसे प्लेटेड कर्व बोलते हैं, चपटा कर्व बोलते हैं। ठीक इसके विपरीत जब प्राप्तांकों का प्रसार, ठीक इसके विपरीत जब प्राप्तांकों का प्रसार रेंज कम होता है, जब प्राप्तांकों का प्रसार रेंज कम होती है, चित्र पर ध्यान केंद्रित करिए, जब प्राप्तांकों का प्रसार कम होता है तो जो हमारे प्राप्तांक है वो किसी स्तंभ में ही अधिक केंद्रित होते हैं और हमारा वक्र क्या होता है, अधिक बहुलता के कारण नुकीला बन जाता है। क्या होता है, प्राप्तांकों का प्रसार कम होता है, कम होने के कारण उसी प्राप्तांकों पर आवृत्तियों की बहुलता होती है जिसके कारण जो वक्र हमारा कैसे बन जाता है, नीला बन जाता है। इसमें इंग्लिश में इलेक्ट्रोकोटोसिस कर्व बोलते हैं, इलेक्ट्रोकोटोसिस कर्व बोलते हैं। तो ये कैसे बनता है, कब बनता है, प्राप्तांकों का प्रसार क्या होता है, कम होता है। ये कब बनता है, जब प्राप्तांकों का प्रसार अधिक होता है। तो जब प्राप्तांकों का प्रसार क्या होता है, कम होता है तथा प्राप्तांक बीच के ही कुछ वर्गों पर, प्राप्तांक बीच के ही कुछ वर्गों पर अधिक केंद्रित होते हैं, बीच के ही कुछ वर्गों पर अधिक केंद्रित रहते हैं तब जो वक्र बनता है उस वक्र को क्या कहते हैं हम, गीला वक्र कहते हैं या इसको क्या कहते हैं, लिटोकोटोसिस कर्व होते हैं।
बहुत अधिक चपटे वक्र को यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत अधिक चपटे वक्र को क्या कहते हैं, लैटेट प्रोट्रूसिस कर्व होते हैं। बहुत अधिक चपटे वक्र को हिंदी में क्या कह सकते हैं, अल्पवक्रीय कर्व। क्या कह सकते हैं, अल्पवक्रीय कर्व या प्लेटो लैटी प्रोट्रूसिस कर्व। और यहाँ से दूसरे चित्र में यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि जब वक्र क्या होते हैं मध्य में, मध्य यानी बीच में, बीच में क्या होता है मध्य स्तर के चपटे वक्र, यानी जब ना अधिक नीला होता है ना अधिक नीला होता है ना अधिक क्या होता है बल्कि क्या होता है सामान्य होता है। इस प्रकार से जो वक्र बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सामान्य वक्र। उसे क्या कहते हैं, सामान्य वक्र कर्व। मध्य स्तर का यानी जब ना अधिक गीला होता है ना अधिक चपटा होता है तो ऐसे वक्र को क्या कहते हैं, सामान्य वक्र कहते हैं। इसे इंग्लिश में मेसोपोट्रोसिस कर्व बोलते हैं। तथा जब बहुत अधिक वक्र क्या होता है नुकीला होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम लिप्टोप्रोट्रोसिस कर्व कहते हैं, या हिंदी में इसे बोले तो महावक्रीय कर्व बोलते हैं, महावक्रीय कर्व बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों सिरों की अपेक्षा वक्र के मध्य में आवृत्तियां क्या होती हैं, अधिक होती हैं। दोनों सिरों की अपेक्षा मध्य में आवृत्तियां क्या होती हैं, बहुत ही अधिक होती हैं, जिससे जो बनने वाला कर्व होता है क्या होता है, वो अधिक नुकीला बन जाता है। इसे नुकीला वक्र या इसे लिप्टोप्रोट्रूसिस या इसे हम क्या कह सकते हैं, महावक्रीय कर्व। क्या कहें इसको, महावक्रीय कर्व। तो अधिक होती है बीच में तो इस तरीके से वक्र जो बनेगा उसे महावक्रीय कर्व या नुकीला कर्व, ये इंग्लिश में इसे आप क्या कह सकते हैं, लिप्टोप्रोट्रूसिस कर्व कह सकते हैं। तो अधिक किसी वक्र की वक्रता को हम किससे व्यक्त करते हैं, वक्रता गुणांक से व्यक्त करते हैं, वक्रता गुणांक से व्यक्त करते हैं, जिसे KU संकेताक्षर से क्या करते हैं, दिख नहीं रहा, जिसे KU संकेताक्षर से हम प्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसे KU संकेताक्षर से प्रेजेंट करते हैं और प्रदर्शित करते हैं। वक्रता गुणांक को अगर हम देखें तो निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, जैसा कि आपको सूत्र दिख रहा होगा KU = Q/V90 - P10। इसकी सहायता से हम वक्रता गुणांक गणना कर सकते हैं और वक्रता गुणांक की गणना करने के पश्चात उसके जो मान आएगा उसके मान से हम ये पता बता सकते हैं कौन सा वक्र लिप्टोप्रोट्रूसिस है, कौन सा मेसोप्रोट्रूसिस है, कौन सा प्लेटोप्रोट्रूसिस है, इसकी सहायता से हम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसका मान अगर KU का मान यानी वक्रता गुणांक का मान 0.263 से कम होता है, इससे कम होता है 0.263 से जब कम होता है तो वक्र को अल्प वक्रीय कर्व कहते हैं। कौन सा कर्व कहते हैं, अल्प वक्रीय कर्व कहते हैं। तथा जब KU का मान 0.263 से अधिक होता है, 0.263 से अधिक होता है तो वक्र को क्या कहते हैं, महावक्रीय कर्व। ऐसा वक्र बोलते हैं, महावक्रीय कर्व बोलते हैं, क्या इसको लिप्टोप्रोट्रूसिस कर्व बोलते हैं, जब KU का मान 0.263 से अधिक होता है। जब KU का मान यानी वक्रता गुणांक का मान 0.263 के बराबर होता है, 0.263 के बराबर होता है तो वक्र जो बनता है उसे क्या कहते हैं, सामान्य वक्रीय कर्व बोलते हैं। कैसा कर्व बोलते हैं, सामान्य वक्रीय कर्व बोलते हैं। आइए हम लोग अब चलते हैं तीसरे अपने चित्र पे, दिख रहा होगा दिख रहा होगा है ना, ये देखिए, हाँ इस पे हम चलते हैं। अब हम लोग आते हैं इस चीजें तो वक्रता पे हम लोगों ने बात की, अब हम लोग आते हैं विषमता। विषमता यहाँ पे दिख रहा होगा, विषमता स्क्यूनेस बोलते हैं हिंदी में, विषमता बोलते हैं इसमें, स्क्यूनेस बोलते हैं। स्क्यूनेस क्या है, स्क्यूनेस से क्या अभिप्राय है,
विषमता का अर्थ होता है या विषमता का तात्पर्य होता है, स्पिनिश का तात्पर्य होता है, स्पिनिश का आशय होता है वक्र के मध्य बिंदु, कोई भी वक्र है उसके मध्य बिंदु के दोनों, कोई मध्य बिंदु है उसके दोनों ओर आवृत्तियों के वितरण से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मध्य के दोनों मिड पॉइंट के राइट साइड और लेफ्ट साइड में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ही स्क्यूनेस का आशय है, अर्थात मध्य बिंदु के दोनों ओर आवृत्तियों के डिस्ट्रीब्यूशन से है। यदि आवृत्तियां वक्र के मध्य बिंदु के दोनों तरफ, यदि आवृत्तियां मिड पॉइंट के दोनों तरफ यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ समान रूप से वितरित, इक्वल वितरित होती हैं, तो वक्र को क्या कहते हैं हम, इस प्रकार से जो वक्र बनता है या इस प्रकार से बनने वाले वक्र को क्या कहेंगे, सममित वक्र कहेंगे या सिमेट्रिक कर्व बोलेंगे, ऐसा क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक कर्व बोलेंगे, या नीचे दिख रहा होगा ये सिमेट्रिक कर्व है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आवृत्तियों का वितरण मध्य बिंदु के लेफ्ट और राइट क्या है, बराबर है, समान रूप से यहाँ पे मीन मोड और मीडियन का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरीके से जहाँ पे मीन मोड और मीडियन का मान बराबर होता है अर्थात आवृत्तियों का वितरण मध्य बिंदु के दोनों ओर समान रूप से होता है, इस प्रकार से जो वक्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिमेट्रिकल कर्व या इसे सममित वक्र कहते हैं, सममित कर्व बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आवृत्तियों का वितरण दोनों तरफ समान होता है तो इसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कर्व बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पे आवृत्तियां कभी क्या होती हैं, दाईं ओर अधिक हो जाती हैं, कभी बाईं ओर अधिक हो जाती हैं, तो जो इस तरीके से जो चीजें होती हैं दाईं और बाईं ओर अधिकता होती है वो तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमता बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, विषमता बोलते हैं। इसके विपरीत जब वक्र के मध्य बिंदु अर्थात मिड पॉइंट से दाईं तरफ तथा बाईं तरफ की आवृत्तियों में विषमता होती है, दाईं तरफ और बाईं तरफ की आवृत्तियों में होती विषमता यानी भिन्नता होती है, किसी तरफ अधिक होती है किसी तरफ कम होती है यानी समान रूप से वितरित नहीं होती है, तो क्या होता है वक्र को हम क्या कहते हैं, असममित वक्र बोलते हैं या इसे इंग्लिश में एसिमेट्रिकल कर्व बोलते हैं। जब वक्र यानी ये दोनों जो ऊपर वक्र बन रहे हैं दोनों ऐसे वक्र हैं, एसिमेट्रिक कर्व है, असममित वक्र है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दाईं ओर आवृत्तियां अधिक हैं, इसमें बाईं ओर आवृत्तियां अधिक हैं, तो इस तरीके से विषम वक्र है क्योंकि दाईं ओर बाईं ओर में आवृत्तियों में भिन्नता है, विषमता है। इस तरीके से जो वक्र बनता है उसे क्या कहते हैं, असिमेट्रिकल कर्व बोलते हैं, इसे असममित कर्व बोलते हैं। विषम वक्र का झुकाव, अगर विषम वक्र का झुकाव या तो दाईं ओर अथवा बाईं ओर रहता है, या तो दाईं ओर अथवा बाईं ओर रहता है, चित्र में आप देख रहे हो, या तो मध्य बिंदु के बाईं ओर या मध्य बिंदु के दाईं ओर जब होता है तो सममित वक्र को लंब रेखा के द्वारा दाईं ओर झुकाव होता है या बाईं ओर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम वक्र कहते हैं। कैसा वक्र कहते हैं, विषम वक्र कहते हैं। अगर सममित वक्र में देखते हैं यहाँ पे अगर सममित वक्र को हम एक लंब रेखा द्वारा इसे विभाजित करें तो इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो समान आएगी, निरंतर नहीं होगा, इसलिए निरंतर होगी कि दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन मिड पॉइंट के दोनों तरफ सेम है, लगभग बराबर है, इसलिए उसमें इसे हम क्या कहते हैं, मिरर इमेज, अगर इसका हम देखें उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जबकि अगर हम देखें विषम वक्र को तो विषम वक्र में इस प्रकार के दो भागों में विभक्त करना संभव नहीं होता, इसलिए संभव नहीं होता, जैसे आप दोनों चित्रों में देख रहे हैं कि दो लगभग भागों में क्या भिन्नता है, इसमें देख रहे हैं चित्र में आपसे। तो सममित वक्र में क्या होता है, सममित वक्र में मध्यमान यानी मध्यमान माध्यिका और बहुलक तीनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लगभग समान होते हैं, अर्थात मीन मोड और मीडियन के मान सिमेट्रिकल कर्व में बराबर होते हैं। जबकि विषम वक्र में
अगर हम देखें विषम वक्र में, तो विषम वक्र में इन तीनों के मान जो हैं क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जब मध्यांक का मान यानी माध्यिका का मान मध्यमान में जितना अंतर अधिक होता है, यानी मध्यमान का माध्यिका में के मान में जितना अंतर होगा, जितना अधिक अंतर होगा वक्र उतना ही अधिक विषम होगा, उतना ही अधिक क्या होगा, विषम होता है। अर्थात वक्र के विषमता विषमता का प्रभाव उसके मध्यान और माध्यिका में अंतर पर पड़ता है। जब आवृत्तियां बाई ओर अधिक केंद्रित होती हैं, जब आवृत्तियां इस चित्र में देखेंगे, जब आवृत्तियां बाई ओर मध्य बिंदु की बाई ओर विमन बिंदु मध्य बिंदु के बाई ओर अधिक केंद्रित होती हैं, जब आवृत्तियां मध्य बिंदु की बाई ओर अधिक केंद्रित होती हैं, तो क्या होता है, तब आवृत्तियां बाई ओर अधिक केंद्रित होती हैं, अर्थात प्राप्तांकों का जो पुंज होता है उसका जमाव बाई ओर अधिक होता है, प्राप्तांकों का जमाव बाई ओर मध्य बिंदु के बाई ओर अधिक होता है। और जब बाई ओर अधिक होता है तो मध्यमान का मान क्या होता है, माध्यिका से अधिक होता है, मध्यमान का मान माध्यिका से अधिक होता है, मध्यमान का मान माध्यिका से अधिक होता है। और तथा इसे क्या कहते हैं, धनात्मक विषमता वक्र कहते हैं, इसे पॉजिटिव स्क्यूड कर्व बोलते हैं, धनात्मक विषमता वक्र बोलते हैं। और इसके विपरीत जब आवृत्तियां आवृत्तियों का जमाव दाई ओर अधिक होता है, आप यहाँ पे देखिए इस करते जब आवृत्तियों का जमाव क्या होता है, दाई ओर अधिक होता है, राइट साइड में अधिक होता है, अर्थात प्राप्तांकों का पुंज है दाई ओर अधिक होता है, तो क्या होता है, अर्थात प्राप्तांकों का जो पुंज जमाव है दाई ओर अधिक रहता है, और तब मध्यमान का मान माध्यिका के मान से कम होता है, मान से क्या होता है, कम होता है। तो ऐसी स्थिति में जब मध्यमान का मान माध्यिका से कम होता है तब इसे ऋणात्मक विषमता कहते हैं। कैसी विषमता कहते हैं, ऋणात्मक विषमता कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहें नेगेटिव स्क्यूनेस कर्व बोलते हैं। ऐसे वक्र को ऋणात्मक विषम वक्र कहते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस कर्व कहते हैं। किसी वक्र की विषमता का ज्ञान, किसी वक्र की जो विषमता का ज्ञान है, वह विषमता का ज्ञान वक्र की विभिन्न सूत्रों से प्रयोग करके उसको निकाला जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। विषमता गुणांक ज्ञात करने के बहुत सारे सूत्र हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पहला है SK=3m-MdM/σ, दूसरा है SK=m-MO/σ, तीसरा है SK=3 गणना कर सकते हैं, और SK का मान गणना करके ये बताया जा सकता है कि कौन सा कर्व धनात्मक विषमता वक्र है, कौन सा ऋणात्मक विषमता वक्र है, कौन सा सममित वक्र है, कौन सा सिमेट्रिकल कर्व है, कौन सा एसिमेट्रिकल कर्व है, इसकी गणना करके आप उसको निकाल सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा बहुलता क्या है, वेरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में बहुलता क्या है, मॉडलिटी क्या है, कर्टोसिस क्या है, और तीसरा स्मूथनेस क्या है। इसमें तीनों में तीन तीन ग्राफ के माध्यम से हम लोगों ने इसको समझा, आशा करते हैं आप लोग अच्छी प्रकार से समझे होंगे, रहने होंगे, ऐसी मेरी आशा है, विश्वास। एक चीज कुछ और इसमें बताना है कि यह किसी भी चित्र को चित्र में कभी भी एकरूपता नहीं होती, किसी भी चित्र में एकरूपता नहीं होती। जैसी चीजें हम बता रहे हैं, आप सोचते हैं ये ऐसा नहीं, इसमें बदलाव आ सकता है। बदलाव कैसे है, बदलाव आने के तीन कारण होते हैं। आप पैमाना किस प्रकार से मांग रहे हैं, कौन सा रेखा चित्र है, आप देख रहे इतना सारे चित्र बनाए सब में कुछ न कुछ अंतर है ना, कौन सा प्रकार है उसका, और उसमें वर्गंतराल कितना है, वर्गंतराल आप कितने ले रहे हैं, उस पर भी अंतर होता है। अगर वर्गंतराल अधिक ले रहे हैं तो उसका अधिक दूसरे तरीके से चित्र बनेगा, वर्गंतराल कम ले रहे हैं तो उसका दूसरे तरीके से चित्र बनेगा। पैमाना आप अधिक ले रहे हैं,
पास अधिक दूसरे तरीके से बनेगा पैमाना, कम ले रहे कम बनेगा। इस तरीके से किसी भी रेखा चित्र में एकरूपता नहीं होती है। इसलिए नहीं होती क्योंकि इसमें तीन बातें प्रभावित करने वाली है। पहला, रेखा चित्र का प्रकार क्या है, दूसरा आपने जो पैमाना माना वो क्या है, और तीसरा वर्ग अंतराल कितना आप ले रहे हैं। ये तीनों बातें इसके उसको प्रभावित करती है। तो आज हम लोग इसको अपने वीडियो के यहीं तक रखते हैं। नया टॉपिक होगा आपका मेजर साफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग काफी समझे होंगे, देखे होंगे, जो भी चीजें दिक्कत होंगी उसको आप क्लास में समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलने मेरे वीडियो में देखेंगे, फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।